पापा जी बोल पापा जी जी पापा आगे नहीं पीछू जी लगा पीछू जी पापा जी ए, जितना बोला उतना ही बोल चुप क्यों है मुंह में जबान नहीं है क्या है ना पापा जी है जबान लड़ाता है सॉरी पापा जी पहले गलती करता बाद में सॉरी बोलता है अगली बार पहले सॉरी बोलूंगा पापा जी मतलब बाद में गलती करेगा तो रोंडो तुम्हें तो ये पता ही होगा कि जब स्काउट ने यूट्यूब पे सर्च किया था पबजी मोबाइल लाइव तो उसके सर्च लिस्ट में सबसे पहले नंबर पे किसका नाम आया था GTXPreet का तो उसको देखकर स्काउट ने कुछ रिएक्ट भी किया था और GTXPreet को ट्रोल भी किया था तो तुम लोग पहले वो क्लिप देख लो उसके बाद हुआ क्या मैं तुम लोगों को आगे बताता हूँ क्लिप देखो पहले पबजी मोबाइल लाइव देखते कौन कौन आता है बहन चोद जज्बात बदल के क्या हो गया ये टट्टे पलट गए जज्बात बदल गए ये चीज देख के भाई मेरे को हाओ नहीं बोलने का भाई 1 मिलियन बड़े लोग हैं। इसके बाद फिर GTXPreet ने भी स्काउट को ट्रोल करते हुए अपनी लाइव स्ट्रीम में ये रिप्लाई दिया था अरे यार 18,000 वॉचिंग आ रही है यार ये तो टट्टे टाइट हो जाएंगे फैंस जलने वाले लोगों के कई लोग स्क्रीन पे दिखाते रहते हैं भाई हमारी वॉचिंग तो टट्टे टाइट हो जाएंगे वेंचर लोगों के 18,000 वॉचिंग आ रही है गांड में से धुआं निकल आएगा वेंचर ये तो बुरा लगा खराब लगा बहुत खराब लगा यार बहुत खराब लगा भाई यार 18,000 लोग देख रहे हैं यार मतलब ये तो वेंचर गांड का पसीना बह गया भाई अब इसके बाद होता क्या है कि स्काउट की लाइव वॉचिंग आती है 57K की उसके बाद क्या रिएक्शन रहता है GTXPreet को लेकर वो क्लिप देखो तुम लोग पहले वॉचिंग नहीं आती इसलिए गांड जल्दी लोगों की ठीक है ओके भाई मेरी गांड जल्दी है ब्रो सॉरी ब्रो अरे भाई टट्टे पलट गए ब्रो टट्टे पलट गए ब्रो क्या 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 बोला गया था एक मिनट मी थिंक हाँ भाई 18,000 वॉचिंग है गांड से क्या पसीने निकल गए ओके ब्रो थैंक यू अरे भाई थैंक यू 18 का डबल कितना होता है मेरे भाई 18 ओ भाई साहब ब्रो वाई 18 का डबल होता है 36 ठीक है अपनी कितनी गई थी अब बोलो भाई तुम्हारा डबल ओके और जाऊंगा मेहनत करूंगा गांड घिसूंगा जाऊंगा याद रखियो जब स्काउट की लाइव वॉचिंग गई थी 57K तक की तब किसके टट्टे पलटे होंगे और किसके पिछवाड़े में से कौन सा पसीना निकला होगा ये GTXPreet को अच्छे से पता होगा और जब स्काउट ने ट्रोल किया था GTXPreet को और तब GTXPreet ने अगर वो वीडियो देखे होगे ना तब वो यही कह रहा होगा कि एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया जज्बात बदल दिए जिंदगी बदल दी भाई मारो मुझे मारो। तो इस वीडियो को देखने के बाद GTXPreet के कुछ सपोर्टर्स आएंगे और मेरे को कमेंट में बोलेंगे कि तू जलता है GTXPreet से तो देखो भैया जलता वलता मैं किसी से नहीं हूँ बस इतना ही बोलना चाहता हूँ GTXPreet के टट्टे पलट गए और कुछ लोग अगर ये बोलेंगे ना कमेंट में कि तू सिर्फ स्काउट का सपोर्ट कर रहा है तो मैंने उसके खिलाफ भी वीडियो बना रखी है जाके चैनल पे देख सकते हो बस इतना ही बोलना चाहता हूँ हाँ वो भी गाली देता है स्काउट भी गाली देता है मगर वो इंडिया को रिप्रेजेंट भी कर रहा है कुछ लोग उससे कुछ सीखते भी हैं मगर यार तुम लोग GTXPreet से क्या सीख लेते हो ये बताओ अब कुछ लोग ये बोलेंगे भैया वो तो हमें एंटरटेन करता है हमें अच्छा लगता है लाइव स्ट्रीम देखना जाके देखो ना भैया मेरे को पता है और बहुत लोगों को पता है उसके क्लाइंट में कैसे बनते हैं और वो लड़की के सामने कैसी कैसी बातें करता है और वो लड़की भी कैसी उसके क्लाइंट में जाके देखना है देखो तुम कुछ लोगों को अगर ये GTXPreet का देखना जिसको पसंद जाके देखो जिसको सपोर्ट करना है करो मैं मना नहीं करता हूँ समझा तो चलो अब इस मुद्दे को खत्म करते हैं आते हैं हमारे दूसरे मुद्दे पे बात करते हैं अब हम चीटोमैन उर्फ चूतिया मैन की मतलब कि ये बंदा साला ऐसा है ना सिंपति गेन करने के लिए अपनी ही लाइव स्ट्रीम में रंडी रोना करेगा और सिंपति गेन करेगा मगर अगले ही दिन बता देगा कि मैं चीटोमैन नहीं हूँ मैं चूतिया मैन हूँ तो इस क्लिप को पहले तुम लोग देखो उसके बाद मैं बात करता हूँ एक दिन में 1,000 सब्सक्राइबर बढ़वाए भाई फर्स्ट टाइम पूरा कराया मोनेटाइजेशन कराया किसी ने डाला भाई सब गाली देते रहे भाई बेमतलब की बस पूरा दिमाग खराब हो रहा है यार मेरा
तो इस क्लिप को देखने के बाद कुछ लोगों को यही लग रहा होगा चीटोमैन बहुत सच्चा इंसान है भैया, दिल से भी रो रहा है, गांड से भी रो रहा है, हर जगह से आंसू निकल रहे हैं, ये बंदा सिंपति गेन नहीं कर रहा है, बहुत ही सच्चा है। तो मैं तुम लोगों को बता दूं, ये बंदा सिंपति गेन करने के लिए पिछले दिन रोता है, रंडी रोना करता है, मगर अगले ही दिन स्काउट को गाली देता है और क्या क्या देता है, मैं तुम लोगों को वो क्लिप दिखाता हूँ, वो क्लिप देखो फिर तुम लोग बताना भैया ये जो आंसू निकल रहे हैं कहाँ से निकल रहे थे। Scout said that when you entered the community, he supported you. कौन सी community? है भाई क्या support करियो भाई है? टट्टी खाता है क्या तू मेरी? बार बार भोसड़ी के है, मेरा नाम ही लेते रहता है भाई। चुप, कुछ काम वाम नहीं आया है? इतने दिन से ना वीडियो बनाई तेरे पे, ना कुछ करा, मादर चोद है वो, और होने वाली वीडियो पे बकलोड़ी कमेंट दे रहा है भाई। चुप, क्यों भोसड़ी के और कुछ काम वाम नहीं है तेरे को? काटो लगाओ भाई के लोड़े को, मुझे फर्क नहीं पड़ता। इसे भैंसों को मैं बार बार अबे रोज ही अपना दिमाग खराब करता रहूँ कि भैंस के लिए कुत्ते का पिल्ला है, इसको कुछ काम वाम नहीं क्या? भैंसों रानू मंडल की औलाद भादर चोर, रोज का हो गया साला। अबे इतने दिन से वीडियो नहीं बनाई तेरे पर, कुछ बोला नहीं मैं तेरे को। अब भैंसों रोने वाली वीडियो रूटी स्नैपर डाली, उस पर फालतू के भैंसों वो दे रहा है, और वो गंजेड़ी बैठा हुआ भैंस, और अब ये इसका रोज का हो गया भैंसों को, कुछ है नहीं क्या तेरे पास? गेम वेम दे रहा था बस है, इतना सपोर्ट है पब्लिक का, फिर भी बेंचुत लास्ट में हट। देख भाई चीटोमैन, गांड में उंगली करेगा तो स्मेल तो आएगी। अब इस चीटोमैन ने किस किस पे कैसी कैसी वीडियो बनाई है और कितना हेट लिया है ये चीटोमैन को अच्छे से पता है, और बहुत लोगों को भी पता है, अगर इसको सपोर्ट करोगे ना तो भैया अपना ही चूतिया कटवाओगे, इसलिए ऐसे चूतिया मैन और चीटोमैन को भैया सपोर्ट ना करो, ये अगले दिन भैया रंडी रोना फिर करेगा। तो बस यार लौंडो, मेरी वीडियो यहीं तक थी, अगर तुम में से कोई भी इस चैनल पे अभी नया आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बगल वाली घंटी भी दबा देना, और इस वीडियो पे एक लाइक शेयर और कॉमेंट तीनों कर देना, और इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से जाके फॉलो करो। अगली वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए हिलाते रहो टैलेंट की दम पे दुनिया, बाय।